बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 नए बिल कानून बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति दे दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य कानून 2023, ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने का आपराधिक कानून अब खत्म हो चुका है। बताते चले कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब तीनों कानूनों के बारे में जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने से ये कानून लगातार चले आ रहे थे। और गौरव की बात यह है कि बीजेपी सरकार में इन तीनों कानूनों के नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो की गई है। अब बताते चले कि तीन जो नए कानून बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए थे कानून बन चुके हैं। बिल जो लाए गए थे इनको लेकर के राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकृति दे दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान के बाद इंडी अलायंस में नया घमासान शुरू हो चुका है। पवार ने कहा है कि गठबंधन की ओर से पीएम पद के फेस का ऐलान नहीं होना चाहिए। इससे पहले 19 दिसंबर की बैठक में ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे किया था। इसके बाद बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन नीतीश के बाद में कहा कि वो नाराज नहीं है। यही गुज कही है कि गले वाजा उसे गले जहाँ से फर्जा उसे फर्जा उसी अंशा भारत उसके चावत मार्ग रिक्शा सस्ते किसे जे लोग निर्वाचित धरे उदाहरण से सब फंसे सुनते थे सकल कारखाना थी अन्य संस्था थी किथे कुली चा फजाव जाओ कुली चा ठिकाणी जबाबदारी घ्यावी या समजणीचा एक ही निकाल मी स्वतःकडे घेतले नाही आणि त्यात माझ्या असं वाटतं की नवी पिढी ही पुन्हा येऊन या सगळ्या जबाबदाऱ्या त्या लोकांनी घेतल्या पाहिजे आणि त्यामुळे गेल्या 10-11 वर्षामध्ये त्या कदाचित जास्त करत एकही जर निवडणूक किंवा दुसऱ्या गोष्टी तुम्ही लक्ष दिले असेल तर याचं असं कुणाला काम करण्याच्या संबंधीची यत्किंचे असायची भूमिका कुणीही घेतली नाही।